शांति। आज की तारीख है 23/11/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा। खुदाई खिदमतगार बनकर हम बच्चों की खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं। तो आइए सुनते हैं खिदमतगार मीठे मीठे शिव बाबा हमें क्या क्या शिक्षाएं देते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो, सर्विस का शौक रखो। प्रश्न है, कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते हैं, उसका कारण क्या है? उत्तर है, उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया के तरफ भागती रहती है, तो कहा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात कर्म ही इनके खोटे हैं। प्रश्न दूसरा भी है, कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बिगर रह नहीं सकते? उत्तर है, रहम दिल बनने का स्वाद। जिसे ज्ञान का स्वाद आया है वही रहम दिल बनना जानते हैं। रहम दिल बच्चे सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, आप समान बनाने की सेवा करनी है, कोई ऐसी करतूत माना कर्म नहीं करनी है जिसकी सजा खानी पड़े। बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। नंबर दो, बाप में चल और अचल यानी मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं, इस ही खुशी और नशे में रहना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का, वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं कि जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो, तो फास्ट सेवा होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। तो ये सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशंस न हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाते हैं, इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है, फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
ओम शांति।